नमस्कार। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाला है मोदी सरकार का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवी बार आम बजट पेश करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार देश का बजट पेश किया है? हो सकता है आपका जवाब पी चिदम्बरम हो या मनमोहन सिंह, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की बात पर इनके नाम स्वाभाविक तौर पर उठ ही आते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 बार ही बजट पेश किया है, उनसे ज्यादा बार तो प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा ने ऐसा किया। दोनों नेताओं ने 8-8 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9 बार देश का बजट प्रस्तुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तो मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। उन्होंने 8 बार फुल टाइम बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया। मोरारजी देसाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन इन लोगों ने वित्त मंत्री रहते हुए ही बजट पेश किए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के ऊपर ही बजट पेश करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया? आइए जानते हैं ऐसे 3 मौकों के बारे में। सबसे पहले बात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने पीएम रहते हुए 2 बार वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। पहली बार 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तक, लेकिन इस बीच बजट पेश करने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन 1958 में तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 13 फरवरी 1958 से 13 मार्च 1958 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभालना पड़ा, और उसी दौरान पीएम रहते हुए उन्होंने 1998-59 का आम बजट पेश किया था। इसके बाद बारी आती है इंदिरा गांधी की। जुलाई 1969 में तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीएम इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 से जून 1970 के बीच वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला, और इसी दौरान 1970-71 का आम बजट पेश किया। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला वित्त मंत्री और बजट पेश करने वाली पहली महिला भी बनी थी। पीएम रहते हुए बजट पेश करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं राजीव गांधी। जनवरी 1987 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह के सरकार से बाहर होने के बाद पीएम राजीव गांधी ने जनवरी से जुलाई 1987 तक वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला। इसी दौरान राजीव गांधी ने पीएम रहते हुए 1987-88 का बजट भी पेश किया। इस इतिहास में खास बात ये निकल कर आई कि अब तक पीएम रहते बजट पेश करने वाले तीनों ही प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार से हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में कई रिकॉर्ड बनाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी क्या ऐसे चौथे पीएम होंगे जो बजट भी पेश कर पाए। खैर, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।